कल हमने एक तो किडनी की एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी दो चीजें डिस्कस की थी, और हमने साथ ये कहा था कि किडनी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे इस पार्ट को हमने कहा था कि किडनी को अगर बाहर से हम देखते हैं तो, यानी कि अगर मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं तो किडनी का ये पार्ट जो है ये कहलाता है हाइलस। लेकिन अगर इसी किडनी को आप कट करके देखें, जैसे आपको इस वक्त सामने नजर आ रही है किडनी, तो अंदर की तरफ जो इसका हिस्सा होता है उसी हाइलस में, जहां से यूरेटर बाहर निकल रहा होता है, जहां से वेन एंटर आर्टरी एंटर हो रही होती है और वेन एग्जिट हो रही होती है, वो सारा जो रीजन होता है वो एनाटॉमिकली पेल्विस कहलाता है और मॉर्फोलॉजिकली हम उसको कहते हैं हाइलस। ठीक है, ये टोटल हमारी कल डिस्कशन हुई थी। और उसके बाद हमने कहा था कि इसके कलर की रीजन जो है वो भी हमने कही थी कि जो कलर की रीजन है वो यूरिया की डेपोजिशन है। कि किडनी का जो कॉर्टिकल रीजन होता है, कॉर्टिकल रीजन में जो यूरिया होता है वो कम होता है और अंदर की तरफ यूरिया ज्यादा होता है। और इसी में हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि ये डायग्राम थोड़ी सी गलत बनी हुई है, यहाँ का कलर होना चाहिए था, इस पॉइंट का कलर जो है वो होना चाहिए था लाइट, और अंदर की तरफ आते आते कलर जो है वो डार्क होना चाहिए था, जैसे ये डायग्राम बनी हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर यूरिया जो है इस साइड पर कम है और अंदर आते आते यूरिया किडनी में डिपॉजिट हो गया है और वो क्या हो गया, यूरिया ज्यादा हो गया। ठीक है, ये बातें एक दो हमने की थी। उसके बाद जो है वो मजीद जो कुछ चीजें डिस्कस हुई थी उनमें हमारे पास क्या क्या कुछ था वो भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि कल का लेक्चर जो है वो साथ कनेक्ट करना लाजमी है। हमने कहा था कि आर्टरी से, यहाँ से मैं अब न्यू बात शुरू करूंगा कि यहाँ यहाँ से ब्लड किडनी में एंटर होता है और एंटर होकर आपको पता है आर्टरीज आगे डिवाइड होती हैं आर्टेरियोल्स में, ये आर्टेरियोल्स हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर आते आते इस रीजन में आकर आप इसको क्या कहते हैं, दिस इज अ कैपिलरी, ये कैपिलरीज का गुच्छा बना हुआ है ये वाला। ठीक है, ये वाला रीजन जो है ये कैपिलरीज हैं, और इस रीजन में कैपिलरी क्यों है क्यों, वो भी हम आगे जाकर जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दो चीजों को बस सिर्फ मैं डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने बुक खोली है, वरना मैंने बोर्ड पे पढ़ाना था। जिस चीज को मैं डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा हूँ वो एक ये वाला नेफ्रॉन है। देखें, दो तरह के नेफ्रॉन्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। अब सबसे पहले तो यूनिट को डिफाइन करें, यूनिट क्या होता है। जी जी यूनिट को डिफाइन मैं कर देता हूं। यूनिट की डेफिनेशन ये होती है कि एनी ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ ए कंप्लीट ऑर्गन इज नोन एज यूनिट। एनी ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट इज नोन एज यूनिट। अब देखिए, किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको पढ़ रहे हैं, सिर्फ नेफ्रॉन को, पूरी किडनी को नहीं पढ़ रहे। क्या वजह है, वजह यह है कि जो हमने पूरी किडनी को डिस्कस करना है उसके बजाय हम अगर सिर्फ नेफ्रॉन को डिस्कस करते हैं तो हमें किडनी का आधे से ज्यादा फंक्शन समझ आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अब हम जो चीज डिस्कस करने लगे हैं, आप लोगों की बुक भी अगर हम खोलते हैं तो वहां पर भी यूरिनरी सिस्टम से नीचे क्या मौजूद है, नेफ्रॉन ही मौजूद है। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो है उसका स्ट्रक्चर तो हम पढ़ेंगे बोर्ड पे, लेकिन दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। एक नेफ्रॉन होते हैं जिनको आप कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये वो नेफ्रॉन होते हैं जिनका जो लूप ऑफ हेनले है वो थोड़ा सा मेड्यूला में डूबा हुआ होता है, बाकी सारा नेफ्रॉन मेड्यूला से बाहर होता है। ठीक है, ये कहलाते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, यानी वो नेफ्रॉन जिनका मेजर रीजन कहाँ मौजूद है, मेजर रीजन इनका कॉर्टिकल रीजन में मौजूद है, ये रीनल कॉर्टेक्स है। ठीक है, जिस जिस नेफ्रॉन का मेजर रीजन कॉर्टिकल रीजन में मौजूद होगा वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाएगा। दूसरी तरह के नेफ्रॉन आते हैं जक्स्टा मेडुलरी। ये जो जक्स्टा है ये वर्ड निकला है एक्चुअली जंक्शन से। ठीक है, ये वो नेफ्रॉन है जो आधा कॉर्टेक्स में होता है और आधा मेड्यूला में डूबा हुआ होता है। ये जक्स्टा का मतलब जंक्शन है, आधा ये वाला नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में होता है और आधा मेड्यूला में डूबा हुआ होता है। ये देखें, इसका जो लूप ऑफ हेनले है
ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये, इट विल बी डीप इनसाइड द मेड्यूला, ये मेड्यूला में डीपली पेनिट्रेट कर रहा होगा, और इस डीप पेनिट्रेशन ऑफ लूप ऑफ हेनले की क्या वजह है ये हम इसको भी आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इन दो चीजों को आपने टोटली डिफ्रेंशिएट रखना है कि ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये आपको बताएगी कि एक खास तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं जिनको आप कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरी तरह के नेफ्रॉन होते हैं जिनको हम कहते हैं मेड्यूलरी सॉरी जेक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। कोई भी ऐसा नेफ्रॉन नहीं है जो कंप्लीटली डूबा हुआ हो किसमें, मेड्यूला में डूबा हुआ, कोई भी ऐसा नेफ्रॉन नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो भी नेफ्रॉन होता है वो एम्प्टी होता है इस एक खास डक्ट में जिसको क्या नाम दिया हुआ है, कलेक्टिंग डक्ट, यानी यहां से सारा यूरिन बन के ओवरऑल कहां पर वापस आता है, कलेक्टिंग डक्ट में आता है। और ये देखिए ये जो आपको लाइंस नजर आ रही है ना इसके अंदर पिरामिड के अंदर लाइंस नजर आ रही है, ये वाली ये जो पिरामिड के अंदर आपको इस तरह की लाइंस नजर आ रही है ये एक्चुअली ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। कलेक्टिंग डक्ट सारी की सारी इधर आती है, ये रीजन कहलाता है पेपिला, मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये सारी कलेक्टिंग डक्ट जिनके पिरामिड में, ये पिरामिड है ना यहां से यहां तक ये पिरामिड है, ठीक है। इस पिरामिड रीनल पिरामिड जिनको कहते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस पिरामिड से सारी कलेक्टिंग डक्ट के निशान आपको नजर आ रहे हैं। कलेक्टिंग डक्ट आती हैं पेपिला में एंड होती हैं, और पेपिला में एंड होकर ये सारी ज्वाइन होकर आखिरकार किसमें बन जाती हैं, यूरेटर में जो है वो ज्वाइन होकर यूरेटर बनाती है, ठीक है, पेल्विस में आकर। तो बुनियादी तौर पर यहाँ चंद एक जो टर्म समझने वाली थी वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, मेड्यूलरी नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट थी। उसके बाद जो है अब हम मजीद डिटेल स्ट्रक्चर इसका समझेंगे बाय द हेल्प ऑफ बोर्ड। जी बच्चे यहां तक कोई प्रॉब्लम? आप लोगों को बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है? सर अब दुआ करें बोर्ड गिर ना जाए, क्योंकि पहली दफा यूज कर रहा हूं मैं, अगर ये गिर गया तो रिकॉर्डेड लेक्चर में सीन क्रिएट हो जाना। शुएब बस तू अपनी जुबान संभाल के रखिए, बाकी खैर है जी। तो सबसे पहले तो जो बात क्लियर करने वाली है बच्चे वो ये है कि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर आप पढ़ के आए हैं वो स्ट्रक्चर और अब के स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा। मैं वो वाला नेफ्रॉन आपको नहीं बना के दे रहा जो आपकी बुक में बना हुआ है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर गलत है, वो स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले जो नेफ्रॉन के बारे में समझने वाली चीज है वो ये है कि नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स, नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं, ये मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। एक पार्ट है जिसको आप कहते हैं रीनल कॉर्पसल, रीनल कॉर्पसल नहीं नजर आ रहा, इसको मैं कैपिटल में लिख दूं, क्योंकि पहली दफा यूज कर रहा हूं, इससे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगी चीजें, या इसको कलर चेंज कर देते हैं, कोई नहीं। जो नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है उसको आप कहते हैं रीनल कॉर्पसल, ठीक है, और जो नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट होता है उसको आप कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। अब देखिए जब भी आपसे नेफ्रॉन का पूछा जाएगा तो याद रखिए के रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल ये दो पार्ट्स जो हैं ये नेफ्रॉन के जनरल पार्ट्स हैं, ठीक है। इनकी आगे सब डिविजन्स हैं, इनकी सब डिविजन्स कौन कौन सी हैं इसको जो है पहले मैं इसको मिटाऊंगा, पहले कॉर्पसल के दो पार्ट्स लिख लेते हैं फिर रीनल ट्यूब्यूल के दोनों पार्ट्स लिख लेते हैं। जो रीनल कॉर्पसल होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट कहलाता है ग्लोमेरुलस, वन पार्ट इज ग्लोमेरुलस, और जो दूसरा पार्ट होता है वो कहलाता है बाउमैन्स, एक मिनट, बाउमैन्स कैप्सूल,
अब ये रीजन कहाँ है? आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये रीजन ये वाला है, ये जो पोर्शन है इसको आप कहते हैं बाउमैन कैप्सूल, ये बाउमैन कैप्सूल है और इसके अंदर यहां से एंटर होती हैं कैपिलरीज और यहां पर कैपिलरीज का एक गुच्छा मौजूद होता है। ये जो कैपिलरीज का गुच्छा मौजूद होता है इसकी प्रॉपर डायग्राम जो है वो थोड़ी देर बाद बनाते हैं, लेकिन ये जो कैपिलरीज का गुच्छा मौजूद होता है इसको हम क्या कहते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। अब ये कैमरे पे थोड़ा सा मिक्स नजर आ रहा है बच्चे, रेड रेड मार्क नजर आ रहा है? यस सर। क्लियर है जी? गर्ल्स आप में से किसी को प्रॉब्लम? हाँ भाई सहर, बच्चे मुझे बताएं जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो बताएं मुझे। कोई बोल दे? सारी नाराज बैठे? चलो ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। नहीं आपके कह रही नजर नहीं आ रहा? आ रहा है सर। अच्छा तो अब देखिए, ये वो दो पार्ट्स हैं जिसको आप जनरल कैटेगरी देते हैं रीनल कॉर्पसल की, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं दूसरा पार्ट, हमने जनरल कौन सा बताया था, दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। अब ये डिवीजन आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, एक्चुअली ये डिवीजन शायद आपने टेंथ में पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन ये बात समझने की है कि शुरू में हमारे बच्चों को नेफ्रॉन को स्टार्ट से डिवाइड ही नहीं करना आता। हम स्टार्ट करते हैं कहां से, नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस होता है, बोमेंस कैप्सूल होता है, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होती है, रूप ऑफ फेनले होता है। हमें ये पता ही नहीं कि मेन दो पार्ट्स कौन से हैं, उसके बाद बाकी बात होगी। पहले तो मेन दो पार्ट्स की बात करें। रीनल ट्यूब्यूल जो है उसके तीन पार्ट्स, पहला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, इसको मैं जानबूझ के छोटा लिख रहा हूं PCT, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, ये भी इसी का पार्ट है, याद रखें ये भी ट्यूब्यूल ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये ट्यूब्यूल नहीं है, ये भी ट्यूब्यूल ही है। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है इसका वो कहलाता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और जो ये एक नेफ्रॉन के पार्ट है, याद रखें। कलेक्टिंग डक्ट क्यों नहीं लिख रहा मैं, कलेक्टिंग डक्ट में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वो एक ऐसी डक्ट है जो बाकी तमाम, और तकरीबन कलेक्टिंग डक्ट जो है ना, मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, आपकी बुक में नहीं है, 8 नेफ्रॉन से कलेक्ट कर रहा होता है। तकरीबन जो कलेक्टिंग डक्ट जितनी होती है ना, हर कलेक्टिंग डक्ट जो है वो 8 नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट कर रही होती है, लिहाजा आप एक नेफ्रॉन के पार्ट में, ये हम सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो एक नेफ्रॉन के पार्ट में आप कलेक्टिंग डक्ट को इसलिए डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये 8 नेफ्रॉन्स में शेयर हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से आप इसको डिस्कस नहीं करते। सर, अब आइए, आवाज नहीं आ रही है। व्हाट, अभी भी प्रॉब्लम है? नहीं सर, मुझे तो सही आ रही है। अवैध देख लो यार, अवैध का सर कोई नेट का इशू होगा जी। और भी कोई है जिसको इशू है? अदील क्लियर है सर? मुझे क्लियर। अच्छा ठीक है लैला। और बच्चे, और कोई बच्ची किसी को प्रॉब्लम हो? मरियम, तनवीर, हादिया, कोई बच्ची बोल दे, क्लियर है? क्लियर है सर। ओके तो अब आइए, ये देखिए कि प्रोक्सिमल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल, ठीक है। ये जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये कौन सा पार्ट है? ये वाला। लूप ऑफ हेनले से पहले मैं इसको अगर जो है वो जरा ज्यादा वाजे अंदाज में लिखूं तो ये एक्चुअली बनेगा यहां से यहां तक, ये जितना पोर्शन है इधर से लेकर इधर तक, यहां ये पूरा यहां से ये प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का पार्ट है, ठीक है। सबसे पहली बात अब समझते हैं इस वर्ड का मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहला वर्ड यहां यूज हो रहा है पी फॉर प्रोक्सिमल। अब ये प्रोक्सिमल एंड कौन सा होता है, कोई बताएगा प्रोक्सिमल का क्या मतलब होता है?
जी वेट प्रॉक्सिमल वर्ड का मतलब हो, देखें जब आप किसी रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं ना तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब तो बिफोर होता है। आपकी आवाज कट गई, दोबारा बोलें। हाँ अब आ रही थी, दोबारा बोलें। जी जी बिल्कुल ज़ैद आप ठीक कह रहे हैं, ये प्राइवेटली नहीं, जो बात का जवाब आंसर करना होता है ना उसको एवरीवन पे किया करें। प्राइवेट मैसेज आया आपका क्लोज टू, याद रखिए का मतलब तो बिफोर होता। अच्छा एक मिनट, नहीं प्रो का मतलब तो बिफोर होता है लेकिन ये एक वर्ड है, ये कंपाउंड वर्ड नहीं है। प्रो आप कब यूज करेंगे, जब कंपाउंड वर्ड होगा, ठीक है, कंपाउंड वर्ड की सूरत में। प्रोक्सिमल एक कंप्लीट वर्ड है और प्रोक्सिमल हमेशा तब यूज होता है जब आप किसी एक खास रेफरेंस से किसी और चीज की लोकेशन बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप इस ट्यूब्यूल की लोकेशन किसके लिहाज से बता रहे हैं? बोमेंस। यस, बोमेंस कैप्सूल यानी रीनल कॉर्पसल। तो रीनल कॉर्पसल से करीब तरीन, किसी रेफरेंस से करीब तरीन जो पार्ट होता है उसको, यानी किसी रेफरेंस से जुड़ा हुआ, किसी रेफरेंस से क्लोज जो पार्ट होता है उसको आप कहते हैं प्रोक्सिमल टू दैट, और जो उससे दूर होता है उसको आप क्या कहते हैं? डिस्टल। तो अब आप देखिए कि ये प्रोक्सिमल है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाली पूरी जो ट्यूब्यूल है ये क्लोज है किसके? रेफरेंस हमारा क्या है? रीनल कॉर्पसल हमारा रेफरेंस है। अच्छा अब एक और बात, इसको कॉन्वोल्यूटेड क्यों कहते हैं? जी बड़ा इजी सवाल है और बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। कॉन्वोल्यूशंस होती हैं तहीं, यहां तो मैंने थोड़ी बहुत तहीं लगा दी ना, लेकिन अगर आप अपनी बुक में देखें एफएससी की, और अगर जो मैंने पीछे बुक देखी थी वो अगर आपको याद हो तो प्रोक्सिमल और डिस्टल दोनों में काफी ज्यादा तहें होती हैं। तो दूसरा इसका क्या हो गया, प्रोक्सिमल के बाद दूसरा क्या हो गया? कॉन्व्यूलेटेड। प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड यानी ऐसी ट्यूब्यूल जो तहों वाली है और रीनल कॉर्पसल के करीब तरीन है उसको आप कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक हो गया। उसके बाद आपको डिस्टल का मतलब खुद ही समझ आ जाना चाहिए कि डिस्टल का मतलब है अवे फ्रॉम। देखें प्रोक्सिमल, अब देखें आपको ये डिस्टल, ये है ना, ये वाला पोर्शन जो है इतना पोर्शन यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल है और नजर तो यूं आ रहा है जैसे ये रीनल कॉर्पसल के ज्यादा करीब है, लेकिन करीब की बात नहीं है, मैंने आपको कहा था जुड़े हुए हिस्से की बात है, जो हिस्सा जुड़ा हुआ होगा असल में वो है। तो प्रोक्सिमल वो है जो रीनल कॉर्पसल से जुड़ा हुआ भी है और करीब भी है, और डिस्टल वो है जो जुड़ा हुआ नहीं है, जितना मर्जी करीब आ जाए लेकिन वो प्रोक्सिमल इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि वो जुड़ा हुआ नहीं है। तीसरा पार्ट क्या कहलाता है? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले ये रीजन जो है यहां से लेकर, एक मिनट ठहरिएगा, ये आपको अच्छी तरह पता है, ये यहां से लेकर और यहां तक, और इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक को आप कहते हैं, अगर मैं चले मैं ये वाला हिस्सा मिटा देता हूं, लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स हैं। एक को आप कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरे लिम्ब होता है बाजू, ठीक है। एक को आप कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, दूसरे को आप कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। अब इनके मतलब एक एक करके समझेंगे, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि डिसेंडिंग कौन सा है और असेंडिंग कौन सा है। ये वाला जो है ये डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग है। अब मुझे बताइए आप में से किस किस को ये आइडिया है कि डिसेंडिंग को डिसेंडिंग क्यों कहते हैं और असेंडिंग लिम्ब को असेंडिंग क्यों कहते हैं? ये असेंडिंग क्यों नहीं हो सकता, ये डिसेंडिंग, सॉरी ये जो है वो असेंडिंग क्यों नहीं हो सकता, ये डिसेंडिंग क्यों नहीं हो सकता? जी कोई बताएगा? नहीं, जी जी जी
डिसेंडिंग वाले की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और असेंडिंग वाले की ऊपर की तरफ। बजाहिर तो डायरेक्शन सेम नहीं है, ये ऐसे, अगर मैं इसको कहूं कि ये ऐसे है, ये जो है वो ऐसे है और ये ऐसे है, तो बात तो एक ही है, डायरेक्शन कौन सी है। लेकिन सर फ्लो जो है, सर फ्लो उसका उस डायरेक्शन में होता है कि डिसेंडिंग का फ्लो नीचे। जी वो एक वर्ड मिस किया है, बाकी बात बिल्कुल ठीक थी लैला की। एक वर्ड जो है वो आपने मिस किया है, और वो वर्ड कौन सा है कि जो फ्लूइड होगा, जो फिल्टर होके मटेरियल आएगा, वो फिल्टर का फ्लो जो है वो इस वाले लिंब में डाउनवर्ड होगा और यहां से होकर इस वाले लिंब में अपवर्ड होगा। सिर्फ इतनी सी बात है, बाकी बात आपकी ठीक थी। ठीक है, तो जहां से जो फ्लूइड है वो डाउनवर्ड मूव करेगा वो डिसेंडिंग लिंब है, और जहां से फ्लूइड अपवर्ड मूव करेगा वो असेंडिंग लिंब है। तो ये जो है वो टोटल डिवीजन है पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की। अब ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि ये जो डायग्राम है आपके बुक में गलत है, क्योंकि आपकी बुक में जो डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले है वो इन्होंने रीनल कॉर्पसल के करीब नहीं बनाया होता, बल्कि आपकी बुक में इन्होंने जो डिसेंडिंग लिंब है वो दूर बनाया होता है। मैं कोशिश करता हूं मैं आप लोगों को दिखा दूं जो डायग्राम है आपकी बुक की बनी हुई, अगर किसी के सामने बुक है तो वहां से देख ले, वरना मैं आपकी बुक की डायग्राम दिखाता हूं आपको। ये अगर बुक है आपके पास तो उसमें देखिए पेज नंबर है 14। मैं आप शेयर स्क्रीन करता हूं जी, ये देखें। अब ये देखिए, ये इन्होंने डायग्राम बनाई है। ठीक है, इस डायग्राम में यहां से ये तो हो गया ग्लोमेरुलस, यानी ये पूरा हिस्सा हो गया रीनल कॉर्पसल। ठीक है, ये है प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल यहां से होता होता ये उसकी कन्वोल्यूशन है। ठीक है, यहां से होता होता ये फ्लूइड आया और उसके बाद ऊपर गया और ये डिसेंड, ये वो है डिस्टल। अब एक्चुअली क्या होना चाहिए था, इस डिस्टल का रुख, इस प्रॉक्सिमल का रुख नीचे से इस तरफ होना चाहिए था। ये जो डिसेंडिंग लिंब है उसको असेंडिंग लिंब इस तरफ बनाकर इन लोगों को देना चाहिए था, क्योंकि याद रखिए कि जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है वो रीनल कॉर्पसल को टच करती है, रीनल कॉर्पसल को टच करती है। शेयरिंग नहीं हुई, कौन कह रहा है? हो रही है सर, नजर आ रही है यार, मेरे पास तो नहीं है, डराओ तो ना। हाँ जी, तो ये असल में होना चाहिए था। ठीक है अदील, ये अगर आपको शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप रिकॉर्डेड पार्ट देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं। तो इसमें जो है वो देख लीजिए कि एक्चुअली होना ये चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने बिल्कुल उलट बनाया हुआ, और उलट क्या है कि इन्होंने इसको इस डायरेक्शन में मोड़ा हुआ है, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। एक्चुअली ये इस डायरेक्शन में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को मुड़ना चाहिए था, क्योंकि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इस रीनल कॉर्पसल को टच करते हुए गुजरती है, और वो टच क्यों करती है वो बाद की बात है। ठीक है, तो फिलहाल जो है वो हमारा कंसर्न ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का वो क्लियर होना चाहिए था। जी बच्चे, ओके, एनी प्रॉब्लम? यार वैसे इस पे बोर्ड पे पढ़ाने में मजा आ रहा है। वो और बात है कि आप लोगों को कुछ वर्ड्स जो हैं वो राइटिंग की वजह से सही नहीं नजर आ रहे होंगे। जी तो अब आइए, अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रीनल कॉर्पसल। अच्छा ये पता क्या है, कुछ चीजें इन्होंने ना आपकी बुक में इस तरह हेडिंग्स के साथ डिस्कस नहीं की हुई, ये चीजें डिस्कस डिटेल में हो भी सकती हैं, नहीं होंगी तो आप लोगों को पता नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब ये यूं कह लें कि ये चीजें ऐसी हैं जो कि कम से कम किडनी के बारे में बुक से ज्यादा आप लोगों को पता होनी चाहिए, चाहे एमडी कैट के एंगल से पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये बातें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो हम बना लेते हैं,
और वो क्या है कि यहां से दो तरह की डक्ट्स आपको नजर आती हैं, ठहरिएगा, ऐसे करके एक डक्ट ऐसे एंटर हो रही है, ठीक है, और उसके बाद उसकी आगे ब्रांचिंग शुरू हो जाती है ऐसे। इन डक्ट्स के असल नाम क्या हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे, इसकी आगे ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद फिर क्या है, ये यहां से मुड़ती है, ऐसे मिलती हैं ये सारी ब्रांचेस, ये ऐसे, ये इसके साथ आके मिल जाती है, ये ऐसे आके इसके साथ मिल गई, यहां पे एंड पे आके एक बड़ी सी डक्ट बनती है और ये बाहर निकल जाती है। अब ये क्या चीजें, ठीक है, ये जो डक्ट है इसको आप कहते हैं आर्टेरियोल। आर्टेरियोल का आपको अच्छे तरीके से पता है, आर्टेरियोल वो वाली वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स आर्टरी से जस्ट डिवाइड हुई हुई हो उनको आप आर्टेरियोल कहते हैं। अब आप देखें, मैंने एरो से नीचे वर्ड लिखा है, यहां एक वर्ड ऐड होगा, एफरेंट आर्टेरियोल। जी बच्चे, चले मैं आपको क्वेश्चन बाद में पूछता हूं। ये वाली जो आर्टेरियोल है, ये जो ऊपर से आ रही है, ये एफरेंट है, और ये जो बाहर को निकल रही है, दिस विल बी कॉल्ड एज इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, और ये जो अंदर जितनी हैं, इन सब को आप क्या कहते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड एज, जी कोई पहले नाम ले दे, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ये सब के सब क्या कहलाती हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आर्टेरियोल यहां आई, इससे पीछे इसका अंडरस्टूड क्या मतलब है, इसके पीछे क्या थी, आर्टरी, ठीक है। अब आइए इसके बाद क्या हुआ, आर्टेरियोल यहां तक आई, जब वो मजीद डिवाइड हुई तो ये हिस्सा क्या हो गया, कैपिलरीज। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि कैपिलरीज का क्या फीचर होता है, लिम्फेटिक सिस्टम से, कैपिलरीज से क्या होती है, जी जी हरी अप, लिम्फेटिक सिस्टम से आपको याद होना चाहिए, कैपिलरीज में क्या होता है, दोबारा बोलिए, लिम्फ, कैपिलरी से लिम्फ बनता है, जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और वो लिम्फ कैसे बनता है, वो लिम्फ बनता है लीकेज से, कैपिलरीज से लीकेज होती है, इस लीकेज में कैपिलरी पोर्स की वजह से कौन सी चीजों की लीकेज नहीं होती, एक होते हैं आरबीसी, और एक आपके लेवल पर मैं बता देता हूं, वैसे असल में नहीं होता, इन दो चीजों की जो लीकेज है वो नहीं होती। उसके अलावा ब्लड प्लाज्मा में तकरीबन जितनी चीजें होती हैं वो सारी की सारी लीक होकर किधर चली जाती हैं, इसको मैं जरा बड़ा एरो बनाता हूं, यहां से लीक होकर ये सब कुछ कहां चला जाएगा, ये किसका हिस्सा है, आपको अच्छे तरीके से पता है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल का हिस्सा है, और यहां पर जितना मटेरियल आएगा इसको आप कहेंगे, इस हिस्से में जितना मटेरियल आता है इसको आप कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इधर जितना मटेरियल आएगा इसको आप कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और इसको सिंपल फिल्ट्रेट भी कहते हैं। तो याद रखिए, सबसे पहली चीज, इस रीनल कॉर्पसल में बोमेंस कैप्सूल क्या है, ये स्पेशल सेल्स हैं, दीज आर स्पेशल सेल्स, ये स्पेशल सेल्स हैं जिन्होंने कवर किया हुआ है कैपिलरीज को, ठीक है, और इन कैपिलरीज ने यहां पर फ्लूइड जो है वो छोड़ना है, ये सारा फ्लूइड किधर आ जाएगा, वो एक्चुअली क्या कहलाएगा, वो फ्लूइड जो यहां से लीक होगा वो फ्लूइड कहलाएगा रीनल, सॉरी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ब्लड इस तरफ आया और यहां से बाहर निकल जाएगा। अब आइए मैं आपसे सवाल करता हूं, एक को आप कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, दूसरे को आप कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल, इन दोनों में क्या फर्क है, एफरेंट और इफरेंट के वर्ड में क्या फर्क होता है, एक सर आने वाला होता है और एक जाने वाला, कौन सा आने वाला होता है,
एफरेंट आने वाला होता है सर, और एफरेंट आने वाला होता है। क्यों भला? इसकी निशानी ये होती है, ये जो ए है इससे आप बना लें अराइविंग, अराइविंग, अराइविंग मतलब आने वाला, ठीक है। और एफरेंट इसमें ई से आप बना लें एग्जिट, एग्जिट, ठीक है। तो एफरेंट जो है वो वाली आर्टेरियोल होगी जो वापस लेकर निकल रही है, और एफरेंट वो है जो किसको वापस लेकर निकल रही है जी बच्चे, किसको? अरे सर आरबीसीज और प्रोटीन्स को, एक्चुअली ब्लड को, आप ब्लड ही कहें, बाकी छोड़ दे वो फिल्ट्रेट तो हो गया, लेकिन एक्चुअली आप ब्लड ही कहें, ठीक है। फिर एक और चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है, नोट करने वाली है, मैंने इसको जरा ओपन बनाया है, इसको थोड़ा सा मैं तंग बना रहा हूं। उसकी वजह क्या है कि जो एफरेंट आर्टेरियोल होती है इसका साइज हमेशा बड़ा होता है, एफरेंट आर्टेरियोल का साइज बड़ा होता है, और जो इफरेंट होती है इसका साइज छोटा होता है। इसकी रीजन नेक्स्ट लेक्चर में सही, ठीक है, कि एफरेंट को बड़ा क्यों रखा जाता है और इफरेंट को छोटा क्यों रखा जाता है, या एफरेंट को वाइड क्यों रखा जाता है, इफरेंट को नैरो क्यों रखा जाता है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है, यहां से फिल्टर होके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ जाता है, और यहां से अब स्टार्ट हो गया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जी इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होना है? दोबारा बेटा बोले, दोबारा इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अगला स्टेप होना है, एंड दैट इज नोन एज, नो नो बेटा नो, मैं देखें इस रीजन में जितना पार्ट प्ले हो रहा है ना उसको आप कहते हैं फिल्ट्रेशन, ये जितना रीजन है ना ये वाला, इसमें जितना भी पार्ट प्ले हो रहा है उसको आप कहते हैं फिल्ट्रेशन। ये लाइट आ रही है, ये हाँ अब शायद आप पढ़ सकें, फिल्ट्रेशन, मेरा हाथ आ गया आगे, अच्छा फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद यहां से अब क्या शुरू हो जाएगी, यहां से अगला पार्ट शुरू हो जाता है जिसको आप कहते हैं रीअब्सॉर्प्शन, यहां से शुरू हो जाती है रीअब्सॉर्प्शन, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। मैंने आपको बताया था ट्यूब्यूल के सेल्स का पर्पज, मैंने आपको कहा था कि ट्यूब्यूल के सेल का पर्पज ये होता है कि इनके अंदर स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जो कि वेस्ट को बाहर भेजते हैं और जो यूजफुल कंपाउंड्स होते हैं उनको अंदर की तरफ वापस ले आते हैं, ठीक है। तो यहां से अब जो है वो रीअब्सॉर्प्शन स्टार्ट होनी है। तो आपका जो पहला स्टेप है उसमें एक आखिरी बात बताने वाली रह गई, इस फिल्ट्रेशन को आप कहते हैं, बड़ा आसान सवाल है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, क्यों भला? सर ब्लड का प्रेशर होता है। एग्जैक्टली ब्लड का प्रेशर होता है, और ये इसीलिए, चले मैं अब आपको आंसर कर देता हूं, ये इसीलिए ज्यादा वाइड रखी जाती है कि जो ब्लड है वो प्रेशर से आए और जितनी चीजें फिल्टर हो सकती हैं वो धक्के से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चली जाएं। इसको तंग क्यों रखा जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी, कोई बताएगा? फिजिक्स के रूल को यूज करते हुए बताएं, इसको तंग रखने का क्या फायदा है? सर जहां एरिया कम होता है वहां बेटा, आप आधा जुमला पहले बोल दो जी, दोबारा बोलो। फिर जहाँ एरिया कम होते है वहाँ स्पीड ज्यादा होती है। नहीं स्पीड तो ज्यादा होती है, लेकिन जब क्या जो ये जो एरिया है इसमें वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा ब्लड का? कम हो जाएगा। एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है कि जब यहाँ पे एरिया कम हुआ तो वॉल्यूम कम हो गया, यहाँ एरिया ज्यादा था ज्यादा वॉल्यूम आया, इधर आकर टकराया प्रेशर से, अब जब वो वापस जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ गली तंग है, और जब गली तंग हो तो ट्रैफिक हो जाती है। इस फिनोमिना को आप क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को आप कहते हैं पूलिंग। पूलिंग का क्या फायदा होगा? पूलिंग ऑफ ब्लड मतलब कम छोटी आर्टरी की वजह से, नैरो आर्टेरियोल की वजह से ब्लड यहाँ जमा हो जाएगा। क्यों? यहां से ज्यादा आ रहा है यहां से कम जा रहा है, तो ब्लड यहां जमा हो जाएगा। इसका क्या फायदा होगा? जितनी पूलिंग होगी उतनी हाँ भाई फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी सर। यस, जितनी ज्यादा पूलिंग होगी, जितना ज्यादा यहां ब्लड जमा होगा, यहां से निकल नहीं सकेगा,
बल्कि आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा, तो जितनी अच्छी पूलिंग होगी उतनी अच्छी फिल्ट्रेशन होगी। तो फिर अगर जो है वो जरूरत पड़ी तो हम इसको इसका ये एडजस्टेबल है, ये रीएडजस्टेबल है, मतलब अगर ये ओपन है तो इसको हम नैरो भी कर सकते हैं। मतलब अगर हमें जरूरत पड़ती है कि भाई जरा कम ब्लड फिल्टर किया जाए तो इसको नैरो कर दिया जाता है, और अगर हमें जरूरत पड़ती है कि जरा ज्यादा ब्लड फिल्टर करना है तो इसको वाइड किया जाता है। ये एडजस्टेबल होती है ताकि ध्यान से ब्लड को फिल्टर किया जाए। जी बच्चे,